हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो डियर पेरेंट्स, आज की हमारी वीडियो है प्लेस वैल्यू चैप्टर के लिए फॉर क्लास सेकेंड। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ वीडियो फॉर प्लेस वैल्यू, लेकिन अब हम कवर करेंगे कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें बच्चों को प्लेस वैल्यू लिखनी सिखानी है यूजिंग दीज गिवन बीट्स एंड ऑल्सो ऑन द अबेकस। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम बच्चों को ऑलरेडी वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स तक बच्चों को वैल्यूज बता चुके हैं, प्लेस वैल्यूज। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं चेक किए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, आप इजिली बच्चों को कवर करा पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं काउंट एंड फिल द बॉक्सेस। आज मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को आसानी से समझाने हैं। इसके अंदर प्लेस वैल्यू को यूज करते हुए हमें एडिशन करना होता है और एक नंबर निकालना होता है। वो कैसे होगा? ये जो आप ग्रुप्स देख रहे हैं ये 10-10 बीट्स के हैं। 10 बीट्स मतलब टेंस। कितने टेंस हैं हम वो काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 3 टेंस। और प्लेस वैल्यू में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 3 टेंस मीन्स 3 और एक 0। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं चेक किया तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए, ताकि आप इस लेवल पे बच्चे को ला पाएँ कि हम ये वाली क्लास उनको अटेंड करा सकें। और वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर चुकी हूँ। साथ में हमें चेक करना है वो ग्रुप जिसमें 10 बीट्स नहीं हैं, वो होता है वंस का ग्रुप। उसमें हमें नंबर ऑफ बीट्स काउंट करनी है, 1, 2, 3, 3 वंस। दैट मीन्स 30 + 3 द नंबर इज 33। सो दिस इज हाउ टू टीच द चिल्ड्रन टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखिए ये 10 का ग्रुप्स है, वी हैव टू काउंट द ग्रुप्स, 1, 2, 3, 4, 4 टेंस। 4 जहाँ पे टेंस आ जाएगा वहाँ पे 1, 0, 10 की एक 0 भी आ जाएगी। आप बच्चे को इस तरह से समझाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि 10 नहीं है, अगर 10 से कम बीट्स हैं तो हम नंबर ऑफ बीट्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज 5 वंस। तो ये आंसर हो गया 45। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टेंस दैट इज 5, और टेंस है तो एक 0 भी आएगा। साथ में नंबर ऑफ बीट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट इज 7 वंस। अब हमें इसको ऐड करके लिखना है, 57। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द सेम टाइप ऑफ गिवन क्वेश्चंस। अब इसमें ज़रूर आपको 10 के ही पेयर्स मिलेंगे, और अगर कुछ भी नहीं दिया है दैट इज 0। तो हेयर वी हैव 2 टेंस मतलब कि 20, और यहाँ पे कोई भी बीट नहीं है दैट इज 0, 0 वंस। तो नंबर इज 2020। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे बच्चों को कराना है। टेंस में हमें ग्रुप्स काउंट करने हैं, वंस में हमें बीट्स काउंट करनी है। 1, 2, 3, 4 ग्रुप्स है, 40, 4 टेंस। टी से आप टेंस 0 याद करा सकते हैं बच्चों को, जैसे 10 में 1 के बाद 0 आता है, ऐसे ही टेंस वाले ग्रुप के बाद 0 आएगा। और जो बाकी का रिमेनिंग लेस देन 10 है दैट इज वंस। वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बीट्स। Now let's see how to do these same type of questions on abacus. यहाँ पे हम सीख रहे हैं representing numbers on abacus. Abacus पे भी same तरीका होता है, बस बल्कि ये बहुत easy होता है। यहाँ पे directly groups ना दे के mention कर दिया जाता है, this is tens. तो tens में भी अब हम number of beads count करते हैं, 1, 2, 3। जैसे अभी हमने 3 groups count किए हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप्स थे, यहाँ पे 1, 2, 3, वहाँ पे 3 ग्रुप्स ना देके क्या दे दिया गया है, डायरेक्टली बीट्स दे दी गई है टेंस के प्लेस पे, 1, 2, 3, दैट मीन्स 3 टेंस। यहाँ 30 क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज 10 इज ऑलरेडी रिटन। एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वंस। तो ये क्या बन गया, 3 टेंस मतलब 30 + 6, 36। सिमिलरली ये देखिए 10th का ग्रुप है, इसमें नंबर ऑफ बीट्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 6 टेंस। वंस के ग्रुप में 1, 2, 3, दैट इज 3 वंस।
ये बच्चे को ध्यान से समझाइएगा। सिक्स टेंस मतलब सिक्स और टेंस की एक जीरो, 60 प्लस थ्री वंस, सिर्फ थ्री रहता है वंस में, हमें कोई जीरो नहीं लगानी है। 60 प्लस 3 63। तो इस तरह से हम नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। टेंस 1 2 3, थ्री टेंस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, दैट मीन्स जीरो वंस। थ्री टेंस हो गया है 30, प्लस जीरो वंस होता है जीरो, 30 प्लस 0 इज 30। आई होप आपको अब ये क्लैरिटी हो गई है कैसे हमें बच्चों को ये समझाना है। टेंस है ये, अबैकस पे इसी तरह से यूज किया जाता है। टेंस 1 2 3 4 5, दैट इज 5 टेंस, एंड वंस का पेयर है ये 1 2 3 4 5 6। तो 6 वंस, 5 टेंस इज 50 प्लस 6 वंस इज 6, 50 प्लस 6 इज 56। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडिशन का समझाऊंगी, किस तरह से आपने बच्चों को एडिशन कराना है, कैरी करना है, किस तरह से हम बच्चों को इजी वे में उसे कवर करा सकते हैं। तो ये है एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप बच्चों को अब ईजिली सिखा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डेविएट करके दिया जाता है, चलिए देखते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, 22 इज इक्वल टू 2 टेंस प्लस 2 वंस। बच्चे को आप बताइएगा, प्लेस वैल्यू हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, वंस एंड टेंस। जो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे नंबर होता है दैट इज वंस, जो उसके आगे नंबर आता है वो टेंस की प्लेस होती है। तो हम लिखते भी ऐसे ही हैं, ये 2 2 टेंस और ये 2 है 2 वंस, ऐसे ही 2 टेंस प्लस 6 वंस। तो इजीली हम बच्चे को बता पाएंगे 69 में 6 टेंस एंड 9 वंस। ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, आप बच्चे को कराइए जरूर। 7 टेंस, आई होप इट इज क्लियर टू यू, 0 वंस। 36 को कैसे लिखेंगे, 3 टेंस 6 वंस। तो आप इस तरह की वर्कशीट्स बच्चों को दे सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये भी एक तरह से मेंटल मैथ्स के फॉर्म में बच्चों को दिया जाता है। 30 प्लस 30 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 हेयर एंड 30, फिर उसके बाद हम वंस वाला नंबर लिखेंगे 6। यहाँ पे हमें ऑलरेडी वंस की प्लेस लिख के दी गई है, तो हमें क्या करना है, 8 टेंस, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, दैट मीन्स 80। तो आप इसी तरह से बच्चे को समझाएंगे। 80 क्यों लिखा है, क्योंकि 8 टेंस की प्लेस पे है, इसलिए उसके साथ 0 आ गया है, और हमें लिखनी है वंस की प्लेस, तो हम सिंपल 4 लिख देंगे। इसी तरह से 20 क्यों आया, 20 बिकॉज 2 इज एट द प्लेस ऑफ टेंस। अब हमें लिखना है वंस, तो हम सिंपल 6 को यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से 40, 0 वंस की प्लेस ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमें लिखनी है टेंस की प्लेस, टेंस की प्लेस है 4 टेंस। जब भी 4 टेंस आएगा तो 4 के साथ 10 आ जाएगी। 50 में हमें टेंस, 5 वाली नंबर दिया हुआ है, हमें वंस प्लेस लिखनी है, वंस पे हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0, तो हम डायरेक्टली 0 लिख देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह का। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमें बच्चों को सिखाना है, बेटा इट इज 4 4 इज एट द टेंस प्लेस, तो 40 प्लस 6। तो वंस एंड टेंस का कॉन्सेप्ट जरूर कराना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। 82, 8 इज एट द टेंस प्लेस, 80 प्लस 2। 67, 6 टेंस 7 वंस। 98, 9 फिर से टेंस प्लेस पे है, 9 टेंस 8 वंस। 44, 4 टेंस 4 वंस। ऐसे ही 30, 30 में 3 इज एट द टेंस प्लेस, 3 टेंस, एंड वंस पे क्या है 0, तो हम 0 को 0 ही लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ प्रैक्टिस कराइएगा, इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं, दिस इज़ व्हाट एज अ टीचर आई हैव सीन। तो प्लीज़ एक्सप्लेन दीज डिफरेंट फॉर्म्स, हैं ये सारी चीज़ एक ही तरह से आपको सिखानी है प्लेस वैल्यू यूज़ करते हुए, बट ये डिफरेंट वे में बच्चे को क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ करिएगा सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इससे रिलेटेड
आपको सारी वीडियोस टाइमली मिलती रहें। और करिएगा वीडियो को लाइक एंड सेंड मी द कमेंट्स, आपको कैसा लगा। अब आप कमेंट्स कहाँ पर करेंगे मैं आपको बताती हूँ। डियर पेरेंट्स, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @kidsdwarka@gmail.com एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रुचि शर्मा वीडियोस चैनल। एंड आई वुड लाइक टू ऐड, यू मस्ट वॉच एंड सब्सक्राइब माई कुकिंग चैनल, आई होप यू वुड लाइक इट। आप देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको उस पर मिलेंगी, इजी एंड क्विक रेसिपीज। थैंक यू, बाय बाय।